नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि इंग्लिश रोज को हम किस प्रकार प्रोपोगेट करें। जैसा कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये एक इंग्लिश रोज का प्लांट है और अगर आप इंग्लिश रोज की कटिंग लगाते हैं, डायरेक्ट कट करके कटिंग लगाते हैं, तो वो कटिंग सक्सेस नहीं होती है। पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से जो आपकी कटिंग है 100% सक्सेस होगी, वो भी केवल 25 दिन में। तो चलिए इस इंग्लिश रोज प्लांट पर हम कर लेंगे एयर लेयरिंग। और एयर लेयरिंग करने से पहले जितने भी इस ब्रांच पर कांटे हैं उनको हम अलग कर लेंगे, जिससे कि जो हम एयर लेयरिंग करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना जाए। जब भी आप प्लांट पर एयर लेयरिंग करें तो उसमें आप देख लें, जो ब्रांच आप ले रहे हैं उसकी मोटाई लगभग जितनी पेंसिल की मोटाई होती है उतनी मोटाई की आप ब्रांच लें। अगर आप ज़्यादा पुरानी ब्रांच लेते हैं तो उसका जो एयर लेयरिंग का जो रिजल्ट है हमको अच्छा नहीं मिलता। और अगर जो आप ब्रांच ले रहे हैं, अगर नई ग्रोथ ब्रांच ले रहे हैं तो उसमें भी हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो आप ये देख लें, लगभग जो ब्रांच है एक साल पुरानी होना चाहिए, उसमें जो रिजल्ट है हमको 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस ब्रांच पर हमने 1 से 1.5 इंच का कट मान लिया है। और जब आप कट मारें तो जो ब्रांच का ऊपरी भाग है, जो हरा हरा भाग है, उसको आप अलग कर लें। उसको आप ज़्यादा गहराई से कट ना मारें। अगर उसको आप ज़्यादा गहराई से कट मार देंगे तो जो आपको रिजल्ट है आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। इंग्लिश रोज को दो प्रकार से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक होता है बड ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। अगर आपको देखना हो कि बड ग्राफ्टिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। एयर लेयरिंग करने का जो बेस्ट सीजन होता है वो हमारे बरसात का सीजन होता है। आप जून जुलाई अगस्त में एयर लेयरिंग किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं। इस ब्रांच पर जहाँ पर हमने ये कट मारा था, इस कट में हम रूटिंग हार्मोन्स पाउडर लगा देंगे। रूटिंग हार्मोन्स पाउडर से ये होता है, इसमें जो रूट्स होती हैं बहुत ही आसानी से और कम समय में इसमें रूट्स आ जाती हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप शहद लगा सकते हैं या एलोवेरा का जूस लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग करने के लिए जो हम मिट्टी ले रहे हैं वो हमारे पास ओनली कोकोपीट है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो इसकी जगह आप ले सकते हैं 50% मिट्टी और 50% अच्छा पचा हुआ गोबर का खाद। मिट्टी भरने के बाद इस पॉलीथिन को अच्छी तरीके से टाइट कर दें, जिससे कि जो बाहर की हवा है अंदर ना जा पाए। इसमें आप एक बात ध्यान दें, इस पॉलीथिन को आप बार बार खोलकर ना देखें। और आप जो पॉलीथिन लेते हैं वो आप पारदर्शी पॉलीथिन लें, जिससे कि जो उसकी रूट्स अंदर से बनती हैं वो हमको बाहर से नज़र आ सकें। तो चलिए इसका हम वेट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं कितने दिन में डेवलप होती हैं। दोस्तों, केवल ही हमारे 25 दिन का रिजल्ट है। तो चलिए इस ब्रांच को हम काट लेते हैं। जहाँ से हमने इस ब्रांच पर लेयरिंग की थी उसके जस्ट नीचे से इस ब्रांच को हम काट लेते हैं। तो इस चलिए इस पॉलीथिन को हम निकाल के देख लेते हैं कि इसकी किस प्रकार जो इसकी रूट्स हैं बनी हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये वाइट ये इसकी रूट्स हैं। तो अभी ये सही समय आ चुका है इस कटिंग को हम सेपरेट मिट्टी में लगा दें। इस कटिंग के लिए जो हम मिट्टी लेंगे वो हम लेंगे 50% नॉर्मल मिट्टी और 50% रेत। और आप किसी प्रकार की मिट्टी ले सकते हैं, बस आप ये ध्यान दें जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इंग्लिश रोज को प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।